Dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Miragus College, Udaipur, would like to introduce you about spices and condiments as part of Unit 5th of Botany Paper 2nd of BSA 2nd year. तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि बॉटनी के सेकेंड पेपर की यूनिट 5th को दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पोर्शन में हमें इकोनॉमिक बॉटनी से संबंधित कुछ प्लांट्स को पढ़ना है और सेकेंड पोर्शन में एथनोबॉटनी पढ़नी है, जिसे हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. सो इन दिस वीडियो हम इकोनॉमिक बॉटनी के स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स को देखेंगे. तो आपके सिलेबस में 9 स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स दिए गए हैं और जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में ब्रीफ में करेंगे. सो दीज स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स अकॉर्डिंग टू International Organization for Standardization, spices and condiments, they are just natural plant material or vegetable products or mixtures which are used either as a whole or in the ground form. अर्थात जिन्हें या तो एस सच यूज किया था, जैसे काले मिर्च आप देख रहे हैं कि एस सच यूज कर रहे हैं, या उसे पीस करके यूज किया जाता है, ग्राउंड फॉर्म में यूज किया जाता है. फॉर वॉट पर्पज? फॉर आइदर इम्पार्टिंग फ्लेवर, एरोमा, खुशबू देने के लिए, एक विशेष प्रकार की सुगंध देने के लिए, पिक्वेंसी देने के लिए, और फॉर सीजनिंग ऑफ फूड्स. सो दीज ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स और मिक्सचर्स, दे आर नोन एज स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स. और अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ होम ऑफ स्पाइसेस, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती की जाती है. और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर and consumer and even exporter of the spices and spice products all over the world. और अगर भारत के कुछ मुख्य राज्यों की बात करें जहाँ spices की खेती की जाती है, तो उसमें मुख्य हैं केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र. तो southern India में ये बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं. Then Odisha, Bihar and even our Rajasthan also, some spices they are being cultivated. आपके कोर्स में 9 spices हैं. And the first one is from the family Apiaceae, that is Coriandrum sativum, जिसे आप धनिए के नाम से जानते हैं. English में से coriander seeds हम कह रहे हैं, और ये coriander seeds हम मसाले के रूप में use करते हैं. Even धनिए की पत्तियों का प्रयोग भी हम लोग करते हैं. तो this is from the family Apiaceae, जिस family का पुराना नाम अम्बेलीफेरी था. अम्बेलीफेरी अर्थात जिसके अंदर अम्बेल पुष्पक्रम, छत्रक पुष्पक्रम पाया जाता है. तो इसके फ्लावर्स को जब आप, इन्फ्लोरेसेंस को जब आप देखेंगे पुष्पक्रम को, तो वो अम्बेल पुष्पक्रम से इसकी पहचान होती है. इस फैमिली का नाम बदल के अब एपीएसी फैमिली कर दिया गया है. सो फर्स्ट स्पाइसेस कोरिएंड्रम सेटाइवम. द सेकेंड प्लांट इज क्यूमिनम साइमिनम, एंड क्यूमिनम साइमिनम अगेन फ्रॉम द फैमिली एपीएसी. तो ये भी अम्बेलीफेरी फैमिली का ही पौधा है, जिसे आप जीरा के नाम से जानते हैं. इंग्लिश में से क्यूमिन कहते हैं, और क्यूमिन के सीड्स जिसे हम यूज में लेते हैं. क्यूमिनम साइमिनम एंड कोरिएंड्रम सेटाइवम बोथ आर फ्रॉम द फैमिली एपीएसी. एंड द थर्ड प्लांट अगेन फ्रॉम द फैमिली एपीएसी, दैट इज फेरुला असाफोइटिडा. फेरुला असाफोइटिडा इज साइंटिफिक नेम ऑफ हींग. हींग जिसे हम यूज में लेते हैं, उसे इंग्लिश में असाफोइटिडा कहा जाता है, और उसी से इसका नाम पड़ा है, फेरुला असाफोइटिडा. दिस इज अगेन फ्रॉम द फैमिली एपीएसी. और इसका जो प्लांट पार्ट यूज किया जाता है, वो इसका ओलियोगम रेजीन यूज में लिया जाता है. द नेक्स्ट थ्री प्लांट्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी, दे आर फ्रॉम द फैमिली जिंजीबरेसी. तो मोनोकॉट पौधे हैं, जिंजीबरेसी फैमिली मोनोकॉट्स की फैमिली है, एक बीजपत्री पौधे हैं. और ये तीन स्पाइसेस जो हैं, सबसे पहला जो यहाँ दिख रहा है वो है करकुमा लौंगा, जिसे आप हल्दी के नाम से जानते हैं, या संस्कृत में हरिद्रा इसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसे टर्मरिक कहा जाता है. और करकुमा लौंगा, इसकी कई स्पीशीज हैं करकुमा की, करकुमा डोमेस्टिका एंड देर आर सो मेनी अदर स्पीशीज. सो करकुमा लौंगा इज द मैक्सिमम यूज्ड स्पाइस इन अवर किचन, और इस पौधे का राइजोम यूज में लिया जाता है. द नेक्स्ट प्लांट फ्रॉम द फैमिली जिंजीबरेसी इज नोन एज क्वीन ऑफ द स्पाइसेस, अर्थात मसालों की रानी के नाम से जाने जाने वाला जो स्पाइस है वो है इलायची, जिसे इलायची हम हिंदी में कह रहे हैं, इला के नाम से संस्कृत में से जाना जाता है, इंग्लिश में से स्मॉल कार्डेमम, छोटी इलायची कहते हैं. और इसका साइंटिफिक नेम है एलिटेरिया कार्डेमोमम. एलिटेरिया कार्डेमोमम के फ्रूट्स
जो कि कैप्सूल हैं साइंटिफिकली, वो फ्रूट्स को हम यूज में लेते हैं, फ्रूट्स को भी और सीड्स को भी. तो दिस इज अगेन फ्रॉम द फैमिली जिंजिबरेसी. द थर्ड प्लांट फ्रॉम द फैमिली जिंजिबरेसी इज जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिसे आप जानते हैं अदरक के रूप में, या जिसे इंग्लिश में इसे जिंजर कहा जाता है. और जब हम ड्राई जिंजर यूज में लेते हैं तो उसे हम सॉल्ट कहते हैं. तो जिंजिबरेसी फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जिंजिबर ऑफिसिनेल, और इसका राइजोम हम यूज में लेते हैं स्पाइस के फॉर्म में. तो जिंजिबरेसी फैमिली के हमने तीन प्लांट्स पढ़ लिए हैं, करकुमा लौंगा हल्दी, दूसरा था एलिटेरिया कार्डेमम जिसे इलायची कह रहे हैं, और तीसरा है जिंजिबर ऑफिसिनेल अदरक. द नेक्स्ट थ्री स्पाइसेस, फर्स्ट इज पाइपर नाइग्रम फ्रॉम फैमिली पाइपरेसी, जिसे हम ब्लैक पेपर भी कहते हैं, जिसे हम ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं, काले मिर्च हिंदी में आप कहते हैं, या गोल मिर्च कहते हैं क्योंकि ये गोल है शेप में. मिर्ची तो जनरली आप चिली, जिसे अभी हम नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, तो उसकी बजाय इसकी शेप गोल है इसलिए इसे गोल मिर्च भी कहा जाता है. काली मिर्च आप कहते हैं, ब्लैक पेपर आप कहते हैं, और इसे किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस भी कहते हैं, मसालों के राजा के नाम से इसे जाना जाता है. मसालों की रानी तो हमने पढ़ा जिसे इलायची को कह रहे हैं, और मसालों के राजा के नाम पे काली मिर्च को कहा जाता है. और नाइग्रम वर्ड से आप सभी वाकिफ हैं, निग्रो नाइग्रो, जो कि काले रंग को डिनोट करता है. तो पाइपर नाइग्रम फ्रॉम द फैमिली पाइपरेसी, और इस पौधे का जो सूखे हुए अनराइप फ्रूट्स होते हैं वो हम स्पाइस के रूप में यूज में लेते हैं. सो ड्राइड अनराइप फ्रूट्स आर यूज्ड. द नेक्स्ट स्पाइस कम्स फ्रॉम फैमिली फेबेसी, जिसे अभी लेग्यूमिनेसी में अगेन बदला गया है. फेबेसी जो मटर की फैमिली है, उस फैमिली का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है ट्राइगोनेला फीनम ग्रेसम. ट्राइगोनेला फीनम ग्रेसम, द प्लांट पार्ट विच इज यूज इज ड्राई सीड्स, सूखे हुए बीज जिसे आप देख रहे हैं, जिसे आप मेथी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे फेनुग्रीक भी हम कहते हैं. और इसकी पत्तियां, जो मेथी की पत्तियां हैं जो आप जानते हैं, जिसे हम विभिन्न प्रकार से यूज में लेते हैं, तो इसकी सीड्स और इसकी लीव्स बोथ आर यूज्ड, ट्राइगोनेला फीनम ग्रेसम. एंड द लास्ट स्पाइस ऑफ योर सिलेबस इज कैप्सिकम, एंड कैप्सिकम एनुअम, द स्पीशीज इज कैप्सिकम एनुअम, एंड फ्रॉम इट इज फ्रॉम द फैमिली सोलेनेसी. द प्लांट पार्ट विच इज यूज इज फ्रूट्स, तो मिर्ची का जो भाग हम यूज में ले रहे हैं उसे हम उसका फ्रूट हम कह रहे हैं, और इसे इंग्लिश में चिली और हिंदी में हम मिर्ची के नाम से जानते हैं. तो वी हैव स्टडीड द नाइन प्लांट्स विच आर इन योर सिलेबस. फर्स्ट फ्रॉम द फैमिली एपीएसी, दैट इज फेरुला असाफोइटिडा, हींग जिसे आप कह रहे हैं, देन जीरा क्यूमिनम साइमिनम, एंड थर्ड धनिया कोरिएंडम सटेवम. ये सभी एपीएसी फैमिली के मेंबर हैं. द नेक्स्ट थ्री हमने जिंजिबरेसी फैमिली के मेंबर पढ़े, जिंजिबर ऑफिसिनल अदरक, करकुमा लौंगा हल्दी, और एलिटेरिया कार्डिमम इलायची. एंड नेक्स्ट थ्री, इसमें से हमने पहला देखा काली मिर्च पाइपर नाइग्रम फ्रॉम द फैमिली पाइपरेसी, देन हमने देखा ट्राइगोनेला फीनम ग्रेसम फ्रॉम फैमिली फेबेसी और लेग्यूमिनेसी, एंड द लास्ट वन जो हम देख रहे हैं कैप्सिकम एनुअम फ्रॉम द फैमिली सोलेनेसी, अर्थात जो आलू टमाटर मिर्ची की फैमिली है सोलेनेसी, उस फैमिली का ही ये प्लांट है कैप्सिकम एनुअम. और मिर्ची का तो हम जानते ही हैं कि इंडिया तो चिली इज द मोस्ट वाइडली ग्रोन स्पाइस इन द इंडिया और मोस्ट वाइडली यूज. और ये स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स जो हम फ्लेवर के लिए या एरोमा के लिए यूज में ले रहे हैं, इसके साथ ही इसका मेडिसिनल इफेक्ट्स भी है. और ऑल ओवर द वर्ल्ड कई डिफरेंट स्टडीज हुई हैं, जिन स्टडीज में पता चला है दैट दे इम्प्रूव द एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस एंड दे डिक्रीज द लिपिड्स विच आर एथेरोजेनिक, दे रिड्यूस द ब्लड प्रेशर एंड दे एनहांस द कार्डियक परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट एक्सपेरिमेंटल एथेरोस्क्लेरोसिस. तो दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर गुड हेल्थ ऑफ हार्ट. सो विद दिस I just end here, and in the next videos we are going to take up all these spices and condiments one by one. Thank you very much.